आज इति को बहुत ही जुनूनी अंदाज में किस कर रहा था। उसकी किस इति को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसकी सांसें घुट रही थी। आदि ने इति को तब तक किस किया जब तक कि उसकी हसरत पूरी नहीं हो गई। इति को किस करते हुए आदि ने उसके निचले होठों को स्मूच किया और उसे एक झटके में छोड़ दिया, मगर उसके हाथ अभी भी इति के पीठ को पकड़े हुए थे। इति जोर जोर से सांस भर रही थी। उसकी गहरी सांसों की आवाज आदि को उसके अंदर खोने में मजबूर कर रही थी। आदि ने इति को अपने करीब किया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी सांसें अब इति की गर्दन पर महसूस हो रही थी। इति ने अपनी आंखें बंद की और आदि को पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं मिस्टर आहूजा? आदि ने इति को देखा और बोला, तुम मुझे रोमांस करते हुए कैसे रोक सकती हो इति? मुझे तुम्हारे करीब आना है, अब बस बहुत हुआ। इतना कहकर वो दोबारा उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने लगा। इति ने आदि को फिर से धक्का दिया और बोली, अब की बार मैं आपको माफ नहीं करूंगी मिस्टर आहूजा। मुझसे दूर रहिए, जाइए कमरे से बाहर जाइए। आपकी जब मर्जी आए, आप जो चाहे वो करते हैं। पागल समझा आपने मुझे? आदि इति के करीब आया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। इति के हाथ अब आदि की चेस्ट पर महसूस हो रहे थे। आदि ने धीरे से अपने दबे हुए लहजे में कहा, मैं खामोश हुई थी, मगर मैं बदला नहीं हूँ। मैं अभी भी इतनी ताकत रखता हूँ कि एक मिनट में राजवीर के चीथड़े उड़ा दूँ, या मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी इस मेहनत की बनाई हुई पूरी कंपनी को 2 मिनट में खत्म कर दूँ, मगर मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। आदि की बातों में आज वही पुराना वाला जुनून इति को महसूस हो रहा था जो 4 साल पहले आदि के अंदर जुनून था। इति ने आदि को धक्का देकर गुस्से भरी अंदाज में कहा, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। राजवीर मेरी पूरी दुनिया है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी मिस्टर आहूजा। आदि इति के पास चलकर आया और उसने इति को गौर से देखा जो उसे बेहद कातिल नजरों से घूर रही थी। आदि इति के करीब आकर उसके बालों को पीछे से सहलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इति कि मैं तुम्हारी ये पर्सनालिटी देखकर भूल जाऊंगा कि पुरानी इति कैसी थी? पास्ट कभी भी छुपता नहीं है इति, कभी नहीं। और वैसे भी जहां तक मुझे पता चला है, तुम्हारे राजवीर को हमारे बारे में कुछ नहीं पता है। उसे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। वो तो ये तक नहीं जानता कि मैं आदि आहूजा हूँ और तुम इति आहूजा। सोचो, जब जानेगा तब क्या करेगा? इति चिल्लाते हुए बोली, गलत, मैं इति आहूजा नहीं हूँ, इति अग्रवाल हूँ मैं, समझे आप? मेरा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। यहाँ से बाहर जाइए वरना मैं चीख कर सबको बुला लूंगी। आदि इति के करीब आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, काम डाउन माय गर्ल, काम डाउन। क्या बताओगी सबको चिल्लाकर कि मैं क्या कर रहा था, तुम्हें किस कर रहा था, यही बताओगी ना? और फिर उसके बाद क्या होगा? राजवीर क्या करेगा? क्या वो यकीन करेगा तुम्हारा कि तुम्हें किस मैंने किया और उस किस में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? इतना कहकर उसने इति के होठों पर अपने थंब से रगड़ा, जिसे महसूस कर इति ने अपनी आंखें बंद की और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, मैं आपको समझा रही हूँ आदि, प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये सुनते ही आदि जैसे थम गया, उसका हाथ अपने आप रुक गया। उसने हैरानी से कहा,
क्या कहा तुमने? मुझे अभी एक बार और बोलो। इति ने गुस्से से कहा, चले जाइए यहां से। आदि ने इति को अपनी बाहों में भरकर अग्रेशन भरी आवाज में कहा, कहो ना इति, एक और बार मुझे आदि कहो ना। मैं कितने वक्त से तरस रहा हूँ तुम्हारी जबान से अपना नाम सुनने के लिए, एक बार बोलो ना इति। आदि का अग्रेशन देख इति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इति ने कहा, अगर मैं कहूंगी तो चले जाएंगे ना। इति की बात सुनकर आदि ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम एक बार बोलो मैं चला जाऊंगा, फिर तुम तैयार हो जाना। इति ने धीरे से कहा, आदि प्लीज मेरे कमरे से चले जाइए। उसकी बात सुनकर आदि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुकून उसके चेहरे पर जैसे छा गया। वो अभी आदि था ही नहीं जो कुछ देर पहले अग्रेशन से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शांति थी। इति ने कहा, अब तो कह दिया ना, अब चले जाइए प्लीज। आपने मुझसे कहा था कि अब चले जाएंगे, मुझे ड्रेस बदलनी है प्लीज। इति की बात सुनकर आदि चुपचाप वहां से चला गया। वो कमरे से बाहर आया और कमरे के दरवाजे से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मेरी इति हो तुम, मैं जानता हूँ इतनी जल्दी तुम्हारे दिल से मेरे लिए जज्बात नहीं निकल सकते। तुम आज भी मेरे लिए जीती हुई थी जिस तरह मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, और मैं वादा करता हूँ तुमसे अब मैं तुम्हें ज्यादा दूर नहीं रहने दूंगा खुद से। कुछ देर में इति बाहर आई। उसने इस वक्त पिंक गाउन पहना हुआ था। इति इस वक्त पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ चेंज हो चुका था, जिसे देखकर राजवीर ने खोए हुए अंदाज में कहा, गॉर्जियस, माय वुड बी वाइफ। इति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं आदि ये सब कुछ खड़ा हुआ अपनी खाली नजरों से देख रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, कंट्रोल आदि, कंट्रोल, बस कुछ वक्त है और उसके बाद तेरी इति तेरे पास होगी। इतना कहकर आदि एक एवल स्माइल पास करने लगा, जिसे देख नताशा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ आदि, कहाँ खोए हुए हो तुम? आदि ने नताशा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, कहीं नहीं नताशा, मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इतना कहकर वो जानबूझकर स्टेज के सामने जाकर बैठ गया। इति की नजर आदि पर पड़ी और फिर उसके हाथ पर, जिसमें नताशा का हाथ जकड़ा हुआ था। इति ने हैरानी से उसे देखा और बोली, ये लड़की कौन है उसके साथ? इति ने काफी हल्की आवाज में कहा था, जिसे राजवीर भी नहीं सुन पाया और बोला, कुछ कह रही हो तुम? इति ने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाया और बोली, नहीं राजवीर, मैं कुछ नहीं कह रही। कुछ देर बाद सर्वेंट हाथ में थाल लेकर राजवीर के पास आया। वो थाल टेबल पर रख कर सिर झुकाकर वहां से चला गया। राजवीर ने थाल को देखा और बोला, हमारी एंगेजमेंट रिंग्स। इति ने मुस्कुराकर राजवीर को देखा और फिर दोनों ने अपनी अपनी रिंग उठा ली। राजवीर ने इति के हाथों में रिंग पहना दी। बैकग्राउंड म्यूजिक इस व्यू को और भी ज्यादा हसीन बना रहा था। स्टेज पूरी तरह से रोजेस से सजी हुई थी और जैसे ही इति ने राजवीर की उंगली में रिंग पहनाई, उन दोनों पर गुलाब की बरसात होने लगी। राजवीर के चेहरे पर बेइंतहा खुशी थी, वहीं इति बस मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में एक अलग ही एहसास था। उसकी नजर बार बार आदि पर जा रही थी
और आदि तो एक तक इति को ही देख रहा था। इति की आंखों में ना जाने क्यों नमी छा गई, उसका चेहरा बुझ गया। साफ पता चल रहा था कि इति की मुस्कुराहट दिल से नहीं है। आदि इति को देख अपने आप से बोला, तुम्हारे ये जज्बात देख जान चुका हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम सिर्फ मुझसे नाराज हो और इस नाराजगी में इतनी आगे बढ़ चुकी हो कि किसी और से शादी तक करने का सोच रही हो। मगर नहीं इति, ये इंगेजमेंट तो हो रही है मगर अब और नहीं। अब तुम देखना कि मैं कितनी आसानी से तुम्हें अपना बनाता हूँ। मेरे इस मूव पर तुम भी हैरान रह जाओगी। आदि की जुनूनी मोहब्बत क्या लाएगी इति और आदि को करीब? क्या इति के दिल में जागेगी आदि के लिए फिर से नफरत? क्या जान पाएगा राजवीर इति और आदि के बारे में? इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए माय डबल हस्बैंड ओनली ऑन हमारे यूट्यूब चैनल कहकशा एफएम पर।